हाँ तो बॉस, क्या हालचाल? सब कुछ एकदम बढ़िया। जियो सिनेमा पे एक वेब सीरीज आ रही है, नाम है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड के नाम से, जिसमें फिर से एक बार पाकिस्तान को कुत्तों की तरह कूटा जाएगा। इतने तो आतंकवादी पैदा भी नहीं हो रहे हैं, जितने तो हमारे यहाँ मूवी मेकर्स मार दे रहे हैं। अभी हाल ही में ऋतिक रोशन ने मारा था और अब जिमी शेरगिल मारेंगे, लेकिन अंदाज अलग होगा। सीरीज में फाइट से ज्यादा उसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, वॉर स्ट्रेटेजी क्या थी, इस बात पे फोकस रहेगा। कहानी वही पुलवामा अटैक वाली दिखाई जाएगी जो कि सबको पता है, लेकिन इस वॉर के पीछे की असली कहानी क्या है ये अभी तक सबको नहीं पता है, वो दिखाएंगे मेकर्स, ऐसा उनका दावा है। जिमी शेरगिल वॉर स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाए गए हैं, उनका एग्रेशन कमाल का लग रहा है ट्रेलर में, वो अब सीधा आर पार की जंग के लिए तैयार हैं। ट्रेलर में कुछ रियल एक्शन सीन भी दिखाए गए हैं जो कि फर्स्ट लुक में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सीरीज में उस बात पे भी फोकस किया गया है जो कि आज के दौर में बिना गोली चलाए किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखता है, यानी कि सोशल मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हमारे देश पे हमला करवाता है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे पीस वी स्टैंड विद ब्राह्मण के नारे लगाता है। सीरीज में पाकिस्तानियों की एक एक पोल को खोला जाएगा, जैसे कि वो कैसी यूएन के मंच पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम परेशान हैं आतंकवाद से, वहीं अंदर से वो खुद आतंकवादियों को पूरी मदद करते हैं। सीरीज में बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले और बाद की पूरी कहानी को दिखाया जाएगा डिटेल में। सबसे अच्छी बात है सीरीज की दमदार कास्टिंग, जिमी शेरगिल, लारा दत्ता, आशीष विद्यार्थी और आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए कलाकार देखने को मिल रहे हैं, जिनकी एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बन जाना जैसा है। लारा दत्ता और जिमी की परफॉर्मेंस टोटली गूज़बम्प्स देने वाली है, उनका एक एक डायलॉग सीधा कनेक्ट हो रहा है। संतोष कुमार के डायरेक्शन में बनी सीरीज में हमें दिमाग घुमा देने वाले एरियल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही दूसरी ओर इंटेलिजेंस और सरकार ने कैसे उस टाइम सिचुएशन को हैंडल किया था इस बात पे भी पूरा फोकस रहेगा। ट्रेलर देख के लग रहा है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इस वीकेंड पे फाइनली, क्योंकि सीरीज की सिनेमाटोग्राफी एकदम बढ़िया लग रही है और जिस तरीके का कन्वर्सेशन है दोनों देशों के बीच में वो एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब ये पूरी पूरी सीरीज होने वाली है तो हर एक डिटेल को बारीक तरीके से दिखाया जाएगा। अब ट्रेलर तो काफी ज्यादा गजब का है, देखना होगा कि मेकर्स ने सीरीज में भी उतना काम किया है कि नहीं, ये तो पता चलेगा इसी 25 अप्रैल को जियो सिनेमा पर। बाकी क्या आप इसे देखने वाले हो कि नहीं बताना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जय हिंद।